Today's topic is classification and tabulation of data in the research methodology series. Hello, students. This is Supriya Moghle. We are going to study what is classification of data and what is tabulation of data. First, we'll see the example you can see here roll numbers of the students and marks there in percentage so again many put how many students have got more than 60% so it is very difficult to answer quickly okay you will have some time it is a time consuming to uh, you know to get the correct answer so uh, so that's why Okay, so okay? uh, have, have so, ज्यादा मार्क्स मिले हैं नाइन स्टूडेंट्स को फिफ्टी परसेंट से कम मार्क्स मिले हैं क्युं? क्यों क्योंकि हमने एक सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया अब यहाँ पे क्या हुआ uh, मैंने जो कुछ भी हमारा डेटा था उसको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मार्क्स अबोव सिक्सटी मार्क्स अबोव फिफ्टी बट लेस दैन सिक्सटी एंड मार्क्स लेस दैन फिफ्टी सो जो मैंने ये डिवाइड कर दिया है तीन स्टेप में तीन क्लासेस में दैट इज कॉल्ड क्लासीफिकेशन ऑफ डेटा यहाँ पे मैंने उनके वैल्यू के हिसाब से उनको क्लासेस में डिवाइड किया दैट इज कॉल्ड क्लासीफिकेशन ऑफ डेटा क्लासेस कौन कौन से हैं थ्री क्लासेस हैं मार्क्स अबव सिक्सटी मार्क्स अबोव फिफ्टी बट लेस दैन सिक्सटी मार्क्स लेस दैन फिफ्टी दिज आर थ्री क्लासेस सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ओके और ये जो मैंने डायग्राम ये जो मैंने पूरा टेबल लिया है इसमें से रोज और कॉलम्स यहाँ पे एक कॉलम में मार्क्स परसेंटेज में है एक कॉलम में रोज सॉरी रोल नंबर्स है एक, एक कॉलम में टोटल स्टूडेंट्स हैं So, ये जो टेबल मैंने बनाया है उसको बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा ओके अंडरस्टूड क्लासिफिकेशन टैबुलेशन ऑफ डेटा नाउ हम इन डिटेल स्टडी करेंगे इन एनी रिसर्च प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हमने डेटा कलेक्ट किया लेकिन उसका कुछ भी यूज़ नहीं है उसको उसको रीड करके कोई भी नहीं समझ सकता तो उसका प्रेजेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कुछ भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसका अगर हमने सही से प्रेजेंटेशन किया तो रिसर्चर को फर्दर रिसर्चर्स जो होते हैं या फिर जो हमारे रीडर्स होते हैं उनके लिए इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिट द डेटा ओके सो डेटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय वेरियस मेथड्स लाइक थ्रू टेबल्स थ्रू डायग्राम्स एंड थ्रू ग्राफ्स हम uh, जो डेटा है वो टेबल्स द्वारा या फिर डायग्राम्स द्वारा या फिर, फिर ग्राफ्स द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट प्ले सी क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर पुट इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज उनके वैल्यू के हिसाब से उनको डिफरेंट क्लास में डिवाइड करना दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन इट हेल्प्स टू कीप द डेटा और द स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स और थिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स Uh, हम हम कुछ कौन सा भी डेटा होगा अब मैंने क्या किया था मार्क्स लिए थे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हंड्रेड uh, लोगों का डेटा कलेक्ट किया उनके फेवरेट फूड से सो so, फेवरेट फूड में मैंने uh, बहुत सारे यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स रखे या फिर बहुत सारे क्लासीफिकेशन रखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू नो द फूड मतलब स्वीट नॉन वेज वेज या फिर सलाड ऐसे तो नॉन वेज कितने लोगों को पसंद है वेज कितने लोगों को पसंद है स्वीट किन लोगों को पसंद है स्पाइसी स्पाइसी किन लोगों को पसंद है तो दीज आर माई क्लासेस डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर दैट इज़ क्लासिफिकेशन तो मैं अगेन एक एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे हमने ट्वेंटी स्टूडेंट्स लिए एक सेक्शन में से वी हैव टू स्टडी देयर मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन सो फर्स्टली वी शुड कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग देयर मार्क्स अब मैं मुझे अब प्रीवियस स्टडी के उनके मार्क्स का स्टडी करना है तो उसके लिए मैंने मार्क्स कलेक्ट किए ओके but after the collection we cannot draw any conclusion regarding the marks of students so we have to classify this data okay. so we may classify the data as first class second class and third class first class matlab 60% equals 60% or more than 60% 50% or less than 60% marks less than 50% that is first class second class and third class put the marks into these three classes and get the information of how many students so scored each class and will get this table okay so जो कुछ भी data था मैने three classes लिए उसमें मैने वो divide किए और मुझे total number of students मिले हर एक class में कितने uh, qualify होते हैं वो मेरा data अब यहाँ पे in a simple form मुझे many uh, present so it is very easy to understand and very easy to interpret the data. now here various students are put into different classes on the basis of their marks and it is called classification. functions of classification. now functions. functions first is present statistics in simple form. ओके okay. तो पे क्या होगा uh, क्या हमने जो एग्जाम्पल लिया था ट्वेंटी स्टूडेंट्स का हमने उसको क्लासिफाई किया एज पर फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास और वो जो स्टैटिस्टिक्स था हमने वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट किया दैट इज द फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ब्रिंगिंग आउट द सिमिलैरिटीज एंड डाइवर्सिटीज मतलब सम स्टूडेंट्स स्कोर वेरी लेस मार्क्स एंड सम हाई मार्क्स स्टूडेंट्स कम अंडर फर्स्ट क्लास आर सेम एंड स्टूडें फॉर एग्जाम्पल एक को मिले हैं सिक्सटी वन परसेंट सिक्सटी टू परसेंट और दूसरे को मिले हैं सेवेंटी परसेंट लेकिन वो फिर भी एक ही क्लास में है तो वो ऑल आर सेम थर्ड क्लास में फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स को मिले हैं फिफ फोर्टी नाइन परसेंट और दूसरे को मिले है फॉर एग्जाम्पल थर्टी सिक्स सो थर्टी सिक्स एंड फोर्टी नाइन स्टूडेंट दोनों भी एक ही क्लास में आते हैं तो वो एक ही क्लास में है is, so मतलब क्या? जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है और जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट है वो दोनों डिफरेंट क्लासेस है सो दैट इज डाइवर्सिटीज ओके हेल्पफुल इन मेकिंग कंपेरिजन अब आप मैंने एक सेक्शन का एक क्लास का मार्क्स कलेक्ट किया है वैसे ही आप अदर डिवीजन का अदर क्लास के मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं उसको कंपैरिजन कर सकते हैं इट इज वेरी इजी टू कंपेयर प्रेजेंटिंग स्टैटस्टिक्स इनटू कंडेंस्ड फॉर्म मतलब एक ट्वेंटी स्टूडेंट्स का डेटा हमने सिर्फ थ्री फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया दैट इज प्रेजेंटिंग स्टैटस्टिक्स इंटू कंडेंस्ड फॉर्म हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन ऑफ ओके, अगेन आपको एक जो कुछ भी आपने डेटा कलेक्ट किया है वो आप प्रेजेंट करते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन थ्रू टेबल्स हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ सो पहला जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें से आप एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट था लेकिन जब मैंने वो क्लासिफिकेशन किया तो इट इज वेरी इजी टू एनालिसिस फाइंडिंग अननेसेसरी स्टैटेस्टिक्स जब हम प्रेजेंट करते हैं डेटा हम जब क्लासिफाई करते हैं तो ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं जो बाद में हमें पता चलता है सो दीज आर द्लासिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट इज टैबेशन ऑफ डेटा Uh, uh, जैसे मैंने बताया पहले स्लाइड में कि uh, डेटा जो होता है वो थ्रू टेबल्स प्रेजेंट करते हैं थ्रू डायग्राम्स प्रेजेंट करते हैं या फिर थ्रू ग्राफ्स प्रेजेंट करते हैं वेन कलेक्टेड डेटा इज प्रेजेंटेड थ्रू टेबल्स दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डेटा अगर टेबल्स में रोज कॉलम्स में अगर वो डेटा आपने प्रेजेंट किया दैट इज टैब्यूलेशन ऑफ डेटा एंड टैब्यूलेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लासिफाइड डेटा इनटू टैबुलर फॉर्म क्लासिफाइड डेटा मतलब मैंने तीन क्लासेस में उसको डिवाइड किया और उस क्लासिफाइड डेटा को अगर मैंने रोज और कॉलम्स में कन्वर्ट किया दैट इज टैबुलर फॉर्म सो द टेबल इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन रोस एंड

तीन क्लासेस में तीन क्लासेस के काम मतलब डाइंग है स्पिनिंग है वीविंग है सो so, ये तीन क्लासिफिकेशन में हर एक क्लासिफिकेशन में अह uh, मेन कितने हैं वुमेन कितने हैं वो उन्होंने फिगर दिए हुए हैं अब वो हम क्या करेंगे एक रोज़ और कॉलम्स में हम प्रेजेंट करेंगे सो दिस इज द टेबल ओके यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स इन टेक्सटाइल फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड वर्क सो डाइंग स्पिनिंग एंड यहाँ पे हम इज़ीली uh, बता सकते हैं कि मेल कितने ही spinning में वो रीड करना एक पैराग्राफ रीड करना जितका, जितना जितना टाइम कंज्यूमिंग है उतना ये टेबल बहुत ही ईजी होता है टू रीड टू अंडरस्टैंड सो दिस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टैबुलेशन Okay. So I hope you understood the classification and tabulation of the data. It is very easy. I have given the example so that you will understand uh, uh, understand better. In the next uh, series, we will have the graph, gra you know, uh, data presented through graphs, that is, uh, graphical representation of data. Okay. So stay tuned. Thank you.